बनारस मंडी में हुई लूट का पर्दाफाश, लुटेरों को गिरफ्तार कर माल किया बरामद। 21 अक्टूबर को फरियादी ने कोलारस थाने में रिपोर्ट की कि फरियादी मंडी में मुनीम गिरी का काम करता है। 21 अक्टूबर के समय करीब 11 बजे से 11:15 बजे तक फरियादी बारदाना लेने के लिए मंडी गोदाम जा रहा था, तभी फरियादी के पास झोला में करीब 3 लाख रुपए, चेकबुक, लेटर पेड, बिल बुक और कॉपी कैलकुलेटर, एक मंडी का कट्टा रखा था। जैसे ही फरियादी कृषि मंडी कोलारस के गेट और रोड के बीच में आया तो एक मोटरसाइकिल वाले ने जानबूझकर फरियादी में टक्कर मार दी और मोटरसाइकिल सवार लोगों ने फरियादी को धमकाकर जबरदस्ती झोला छुड़ा लिया और भाग गए। उनके पीछे एक मोटरसाइकिल थी जिस पर 2 व्यक्ति बैठे थे। थाना कोलारस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निराकरण के आदेश दिए। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार भूगिया के निर्देशन में SDOP कोलारस अमरनाथ वर्मा के मार्गदर्शन में विवेचना और अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए गए। मुखबिर की सूचना मिली कि लूट की घटना को कारित करने वाले आरोपी गण कोलारस बाईपास भड़ोता पुल के पास खड़े हैं, भागने की फिराक में हैं। थाना प्रभारी ने कोलारस ने मुखबिर की सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और बताया गया स्थान पर पहुंचे, जहां पर पुलिस को आता देख आरोपी भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने पकड़ा तो बताया कि मंडी में पलेटारी का काम करते हैं। तीनों ने घटना को अपने 3 साथियों के साथ मिलकर कारित करना स्वीकार किया। इसमें आरोपियों में से एक आरोपी द्वारा मुखबिरी की गई थी। पुलिस ने आरोपियों से लूटा गया फरियादी का बैग, जिसमें चेकबुक, लेटर पैड, बिल बुक, कॉपी कैलकुलेटर, एक मंडी का कट्टा, लूट के रुपयों में इनके हिस्से में आए 1,05,000 और घटना में प्रयुक्त साबिर खान की सफेद रंग की अपाचे बरामद की है। घटना के आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। इस कार्रवाई में SDOP कोलारस अमरनाथ वर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोलारस, निरीक्षक आलोक सिंह भदौरिया, उप निरीक्षक योगेंद्र सिंगर, कार्य उप निरीक्षक रामचंद्र शर्मा, सहायक उप निरीक्षक शत्रुघ्न सिंह भदौरिया, कार्य प्रधान आरक्षक भूपेंद्र सिंह तोमर, प्रधान आरक्षक नरेश दुबे, प्रधान आरक्षक दिलीप राजावत, प्रधान आरक्षक अवतार सिंह, चालक दीनू रघुवंशी, साइबर सेल के प्रधान आरक्षक देवेंद्र की सराहनीय भूमिका रही। इसमें हमारा जो SDP है कोलारस अमरनाथ, उनके DI आलोक भदौरिया, उनकी अच्छी टीम बनाकर लगातार इसमें बारीकी से लोगों से बातचीत और लगातार संपर्क करते रहे और सारे CCTV फुटेज से देखे, तो इसमें फाइनली हमने 3 लोग पकड़ा गए हैं, जिनसे अब घटना में उपयोग की गई कि हमारे मोटरसाइकिल में जब्त हुई है। पूरा घटनाक्रम दिया है कि 5 लोग बना के थे, इनको एक आदमी जो यहाँ स्थानीय था उससे ये कहा था कि जिन इस पर 15 से 20 लाख रुपये हमारे फरियादी के पास मिलेगा, तो मोटरसाइकिलें लेके आए थे 5 लोग और अभी एक मोटरसाइकिल अभी बरामद कर ली, 3 आरोपी फरार हैं। लेकिन एक अच्छी सफलता मिली थी, एक चुनौतीपूर्ण कार्य था एक संसदीय कांच के नारे लोग होने का, उसका अच्छा पर्दाफाश किया है, जिसमें हमारे आलोक भदौरिया, योगेंद्र सिंगर, SI सत्यन भदौरिया, नरेश दुबे, दिलीप राजावत और बाकी हमारे रामचंद्र शर्मा सरों ने मिलकर बड़ा अच्छा काम किया है और ये शिवपुरी पुलिस की अच्छी सफलता है। कितने की लूट हुई थी और कितना बरामद किया? अभी 1,05,000 रुपये मिला है और एक मोटरसाइकिल जब्त हुई है और साथ फरियादी का बैग और उसमें रखा सामान जब्त किया गया।